Hello, my dear student. As you know that previous video I taught you how to change interrogative sentences into assertive sentences. But today I'm going to teach you and discuss how to change assertive sentences into interrogative sentences. Means interchange to each sentences. Okay? So let's see. तो इस प्रकार से हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को एसर्टिव सेंटेंसेस में बदलना है, लेकिन उससे पहले हमें समझना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो कौन से होते हैं जिनको हमें एसर्टिव में बदलना है, और एसर्टिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से वाक्य होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझा रहा हूँ। देखें, एसर्टिव वाक्य नंबर एक पर मैंने लिया है पॉइंट नंबर एसर्टिव। एसर्टिव सेंटेंसेस के टू पार्ट होते हैं, दो प्रकार के वाक्य मिलकर बने होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव, यानी कि सेकंड टाइप में और फर्स्ट टाइप में। ये टाइप तो नहीं होते हैं, नंबर एक और नंबर दो हम कह सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर के कहलाते हैं आपके क्या, एसर्टिव सेंटेंसेस। ओके, तो जैसे सी रीड्स द बुक, तो इसमें कोई कुछ नहीं आया, इसलिए क्या है ये एफर्मेटिव, यानी एसर्टिव एफर्मेटिव, राइट। और ये क्या है डज नॉट, तो इसमें नॉट आ रही है, इसलिए क्या कहलाएगा ये एसर्टिव नेगेटिव कहलाएगा, राइट। अब बात देखते हैं जिनसे हमें ऐसे वाक्यों का निर्माण करना है, ऐसे वाक्यों को हमें बनाना है, ऐसे वाक्यों को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के वाक्यों से मिलकर बने होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के वाक्यों से। और फर्स्ट टाइप के वाक्यों में क्या होता है, डू डज डिड इज एम और वाज वर विल शैल कैन कुड मे माइट मस्ट, बहुत सारे वर्ड आते हैं, ठीक है, शुरू में वाक्य के। तो फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव कहलाते हैं, और विभाग के जिनके शुरू में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे व्हाट है, व्हाई है, व्हेन है, हाउ, हु, ईटीसी, वो हमारे सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव कहलाते हैं। तो अब ऐसे वाक्य के जिनके शुरू में ये चीज आया है और ऐसे वाक्य जिनके शुरू में ये चीज आई है, तो इनको हटाकर हमें उन वाक्यों को, अर्थात कौन से वाक्यों को, इंटरोगेटिव दोनों ही फर्स्ट और सेकंड टाइप के वाक्यों में को हमें किसे बदलना है, या तो फिर वो ऐसे बदलेंगे या फिर उसे ऐसे में बदलेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आगे होगी, उम्मीद करता हूं। आगे हम रूल नंबर एक देखते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम रूल नंबर एक देखते हैं कि हमें कैसे बदलना है। तो रूल नंबर एक कहता है हमारा कि यदि इंटरोगेटिव वाक्य, क्योंकि इंटरोगेटिव को बदलना है सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एफर्मेटिव हैं, एफर्मेटिव वाक्य हैं, तो एसर्टिव एसर्टिव सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, एफर्मेटिव का उल्टा क्या होता है नेगेटिव, बनेगा रूल नंबर एक। रूल नंबर दो बेसिक का जस्ट अपोजिट है, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो एसर्टिव वाक्य एफर्मेटिव बनेगा, यानी एफर्मेटिव वाक्य बनता है। तो दोनों के लिए एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट के लिए देखते हैं हम, डू यू लर्न योर लेसन क्वेश्चन मार्क। अब इसे बदलना है हमें किसमें, एसर्टिव में, ठीक है ना। कैसे बदलना है हमें, एसर्टिव में। तो एसर्टिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, हमें पहले समझना है रूल नंबर एक के अनुसार। जैसे यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस एफर्मेटिव है, नॉट नहीं है इसलिए एफर्मेटिव,
ठीक है, तो assertive वो कैसे बनेगा, negative अर्थात not वाला बनेगा। जैसे you को पहले लेंगे, you do not, do के साथ not लगा देंगे, learn your lesson, कोई दिक्कत? तो हमने यहां पर do not का यूज कर दिया, कोई सहायक क्रिया हमारी ये आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात है। ठीक, दूसरे के लिए देखते हैं हम, जैसे डज सी नेगेटिव है ना, डज सी नॉट कॉल यू, ठीक, तो नॉट आ रहा, नेगेटिव हुआ और एक एफर्मेटिव बनेगा, एक एसर्टिव कैसा बनेगा, एक एफर्मेटिव कैसे बन जाएगा, सी कॉल्स, डज नॉट को उठाएंगे एस लगा लेंगे, सी कॉल्स यू और फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को बदल देते हैं। ठीक है, कुछ और चेंजेस हैं उन्हें मैं भी बताता हूँ, राइट। जैसे मान लें सेकंड टाइप का यदि कोई क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि सेंटेंसेस हैं, तो कैसे करेंगे, मान लें नोबडी है या नो वन है, तो इसे हटाएंगे और इसको हटाकर हम यूज करेंगे होप। ठीक, यदि एवरीवन है या एवरीबडी है तो इसे हटाकर यूज करेंगे हु, और हु के साथ हम यूज करेंगे नॉट का। ठीक है, यदि वाक्य में क्या है, इट does not matter much भी आता है, लेकिन if का भी आता है, it does not matter if, इसे हटाएंगे और यूज करेंगे हम यहां पर what do, यदि it is extremely फ्लिस टू आता है तो इसको हटाएंगे पूरे को, तो इसका जगह हम यूज करेंगे वाई का। यदि मोस्ट ऑफ नेवर आता है तो इसको हटाकर हम यूज करते हैं वैन का। और यदि वाक्य में इसके अलावा और वर्ड आता है, जैसे कि मतलब और भी कोई चीजें आती हैं, जैसे मान लो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो इनके अलावा भी आ सकती हैं, तो मैं उसी के अलावा हूं, जैसे एवरी बडी नोज सचिन तेंदुलकर ठीक, सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एवरीबडी लिखा है तो एवरीबडी को हटा दें, तो क्या लगाएंगे, हु प्लस नॉट, तो हु डज नॉट, क्योंकि इंडिपेंडेंट का बात कर रहे, किसका प्रूव करेंगे हम, डज नॉट का, हु डज नॉट नो, ऐसे हटा देंगे नो सचिन तेंदुलकर। ठीक, उसी प्रकार से हम देखेंगे, जैसे नोबडी लाइक यू, ठीक, तो नोबडी को हटाएंगे, किसका यूज करेंगे, हु का, तो हु लाइक्स, यस लगा देंगे, हु लाइक्स, नोबडी लाइक्स, सॉरी, हु लाइक्स You. क्यों, क्योंकि नेगेटिव है तो ये एफर्मेटिव बनेगा। इस प्रकार से हम इनमें कुछ चेंज कर देते हैं। ठीक है, बाकी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं और इनके डेट से, राइट। क्लास से उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे जो कंसेप्ट से वो क्लियर हो चुके होंगे, और आशा करता हूं कि नहीं हुए हैं तो आप उनको देखने का प्रयास करेंगे, चाहे
बुक से सर्च करें, मेरे से पूछें, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, आपकी मर्जी है। जैसे भी आप सॉल्यूशन चाहेंगे वो उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और मुझे इतना ही कहना है, मेहनत करिएगा बस। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।